लीडी सुसेन बाय जेन ऑस्टिन पेज वन है क्वेश्चन नंबर भूल गए आप 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 दीजिएगा लेडी सुसेन इज अ नोवेला बाय जेन ऑस्टिन नोवेला और नोवेला इज अ शॉर्ट नोवेल नोवेला को जो कहते छोटा उपन्यास दिस नोवेला छोटा के छोटी 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 उपन्यास छोटी नोवेला तो नोवेला हैज दिस नोवेला हैज लेस देन सेवेंटी पेजेस सत्तर पेज है बस सेवेंटी पेजेस और नॉवेल इज अराउंड थ्री हंड्रेड और नॉवल का, का होता है 300 तीन सौ पेज का होता है मोटा मोटी ठीक लेडी सुसैन वॉज रिटन इन नाइनटीन क्या नाइनटीन सेवनटी फोर एटीन सेवनटी फोर होगा ना हाँ एटीन सेवनटी फोर होगा ये एटीन सेवनटी फोर बट वॉज पब्लिश इन एटीन वन नहीं गड़बड़ा आ रहा है नहीं नहीं ठीक है सॉरी बट वॉज पब्लिश इन एटीन सेवनटी वन अच्छा अब कंफ्यूज उसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ वेरी सॉरी हम अभी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं चलिए देखिए क्वेश्चन मार्क आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर ऑथर मतलब के मरने के बाद ये किताब पब्लिश हुई है ठीक है लेडी सुसैन इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नावल जेन ऑस्टीना इज रिटन और जो भी उपन्यास ये लिखी है उसे भिन्न है लेडी सुसैन द प्रोटेगोनिस्ट इज द फिर अधिक ही क्या है ये प्रोटेगोनिस्ट है मेन कैरेक्टर लेकिन खलनायक है अदर नावल्स ऑफ जेन आर नाम जो दीजिएगा प्राइड एंड प्रेजूट है एमा है मैनसिल पार्क है सेंस सेंसिबिलिटी एक्सेट्रा ठीक है अब देखिए लेडी सुसैन बिकम्स अ विडो वैन शी इज़ अबाउट थर्टी फाइव ईयर्स होल्ड मैंने उसके साथ भी भगवान परिस्थिति कष्ट दिया उसको पैंतीस साल में विधवा हो जाती है शी लुक्स टेन ईयर्स यंग है लेकिन पैंतीस से है लेकिन देखने में पच्चीस साल लगती है बहुत सुंदर है देखने में शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है हैज अ हैप्पी कमांड ऑफ लाइफ बोली चाली बहुत मीठी है उसकी तब क्या कहते हैं शी यूज हर ब्यूटी एंड हर आर्ट ऑफ स्पीकिंग टू चीट अदर्स लेकिन अपने सुंदरता का बोलने की जो कला है उस सबका वो दुरुपयोग करती है इसीलिए इसको खराब कर शी हैज एन अफेयर विथ अ मैरिड मैन और उसको अलावा अफेयर किसके करता है शादीशुदा से ये भी गड़बड़ करती है टू तो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट हर प्रोटोपूटर टू तो 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 प्रोटेक्ट हर रेपुटेशन शी सेपरेट्स फ्राम द डैट मैरिड मैन एंड गोज टू अ प्लेस कॉल चर्च हिल और अपना इज्जत बचाने के लिए वो क्या करती है उस जो शादी शुदाजी से लव अफेयर चल रहा था उसे अलग हो जाती है वो कहाँ चली जाती है चर्च हिल चली जाती है अब देखिए अब देखिए डेडी सुसैंड इज एन एपिस नॉवल ये इंपॉर्टेंट है क्या है ये एपिसलियरी नॉवल है मना ये नावल को पत्र के रूप में लिखा गया है पत्र एपिस मतलब और नॉवल इन लेटर्स ये जो है के है पत्र के रूप में है लेडी बुज़म फ्रेंड इज मिसेज जॉनसन अब सुसैन क्या करें राइट्स टू हर बुजम फ्रेंड द प्राइवेट थिंग दैट कैनॉट बी शेयर विद अदर्स और उसके साथ वो प्राइवेट से बात लिखती है अपने बुजम फ्रेंड को जो वो दूसरे को नहीं लिखती है फॉर एग्जाम्पल लेडी सुसैन राइट्स टू हर फ्रेंड अबाउट फ्री डेरी क्या है फ्री डेरी फ्री डेरी अपनी बेटी के बारे में वो लिखती है क्या लिखती है लेडीज हुसैन फ्रेडरिका इज सिक्सटीन ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ लेडीज फ्रेडरिका कौन है सोलह साल की उसकी बेटी है लेडी हुसैन की द मदर राइट्स अबाउट अ डॉटर और माँ जो अपनी बेटी की क्या, क्या लिखती है क्या क्या लिखती है बहुत इंपॉर्टेंट है क्या लिखती है, है।, है माँ अपनी बेटी के खिलाफ बताइए शी फ्रेडरिका इज द टॉर्चर ऑफ माई लाइफ ये मेरे जीवन का कष्ट है अपनी बेटी के खिलाफ लिखती थी यही सब लेडी सुसैन में गड़बड़ी है द मदर्स हेट फॉर अ डॉटर हैज अ साइकोलॉजिकल रीजन लेकिन इसका भी कारण माँ बेटी को क्यों नफरत करती है इसका भी कारण है साइकोलॉजिकल कारण है द मदर हैड अ डिस्टेस्ट फॉर द मैन हु प्रोक्रिएटेड फ्रेडिका जो बाप फ्रेडरिका को जन्म दिया उससे उसको नफरत था लेडी सुसैन को वो हज वो हस्बैंड जो था उसको बहुत कष्ट देता था इसीलिए उस हसबैंड से कष्ट था और जब बच्चा जन्माया हुआ ना और बेटी से उसका नफरत हो गया अब देखिए दिस रिमाइंडर्स ऑफ एमली ब्राउनट विदरिंग हाइट्स विदरिंग हाइट में कुछ ऐसा ही होता है हैंचार्ट टॉर्चर्स हिज वाइफ बिकॉज हिज वाइफ ब्रदर हैड टॉर्चर है अब देखिए ये हैंचार्ट का अपनी पत्नी को इससे सताता है क्योंकि तो उसकी पत्नी का भाई हैंचाट को सताया था ये कोई बात हुई लेकिन यही होता है साइकोलॉजिकल ये से बात है वर्स्ट थिंग अबाउट लेडीज सुसैन इज देट शी पुशेज हर डिसमल मैरिज और सबसे खराब बात उसके बारे में क्या है अपनी बेटी को मैंने धक्का देकर खराब शादी करा देती है पन्ना पल्टू बेटा गजब सब कहानी है लेडी सुसैन मैरीज सर जेम्स हु लव्ड अनदर लेडी और देखिए यहाँ भी गड़बड़ करती है वो उस पुरुष से शादी करती है जो दूसरे लेडीज से प्यार करता था सुसैन मैनिपुलेट्स मन गोटी चा, चाल चलती है एंड सीड्यूस जेम्स और जेम्स को उस लेडी से हटा के अपने में फंसा लेती है सीड्यूसर फंसाती है जेम्स इज रिच एंड हैज़ अ वीक कैरेक्टर और जेम्स जिसे वो शादी करती है वो कमज़ोर है उसका चरित्र कमजोर है लेडी सुसैन डिलिबरेटली चूजेज सच मैन बिकॉज शी कैन मेक हिम डू वॉट शी लाइक्स वो, वो जानबूझ के इसी पुरुष से शादी करती है एक तो तो पैसा है और कमजोर पुरुष है जैसे नचाएगी जैसे नचाएगी ना ना वो नाचेगा तो इसीलिए उसे शादी करती है ये सब लेडी सुसैन का है अपना उसको बलक कनिंग धोखे धोखेबाज धुरदाज बहुत है लेडी आफ्टर द वीडो लेडी सुसैन गेट्स मैरिड अब देखिए आफ्टर द वीडो लेडी सुसैन गेट्स मैरिड शी प्रिपेयर फॉर अ डॉटर फॉर डी क्या है फ्री डेरिका मैरिज तो अपनी बेटी की शादी को तैयारी करता है फ्री सेंड टू अर आंट्स प्लेस उसको क्या करती है अपनी बेटी को अपने उसको, उसको चाची के पास भेज देती है कहाँ पर चर्चिल एट दिस प्लेस क्या रेजिनाल्ड रेजीनाल्ड कैन हैव अफेक्शन ऑन प्री डेरिका और यहाँ पर उस तरह उसको छूट मिल जाएगा यहाँ पर उसका जो लवर जो है ना रेजिनाल्ड उसके पास आ सकता है उसे पर मोहब्बत कर सकता है तो इंग्लैंड में ये सब चलता है शादी के पहले वो लोग लव करता है तो उसको माहौल बना देती है वो क्या कहते हैं ये लेडी शूज़ हैं और तो उसकी बेटी को इश्क मोहब्बत कर सके किस से से ये सब उसका चलाकी है तो नोवेला लेडी सुजैन गिव्स अ पिक्चर ऑफ अपर अपर मिडिल क्लास ये क्या है? किसका पिक्चर देता है अपर मिडिल क्लास सोसाइटी ये है अपर मिडिल क्लास सोसाइटी एट द एंड ऑफ द एटीन सेंचुरी अठारहवीं शताब्दी के अंत में मिडिल क्लास लोगों का अंग्रेज में क्या हालत है उसका पिक्चर आप इसमें देख सकते हैं लेडिसन इज ब्यूटीफुल सुंदर है एजुकेटेड तो पढ़ी भी लिखी हुई है जेंटल भी है एट द सेम टाइम शी इज़ फ्लर्ट इश्कबाज है मैंने प्लेर्स गोटी बैठाती रहती एंड कनिंग धुरतबाज है दोनों उसमें मिला जुला गुन है उसमें गुण अफगुन दोनों है सम क्रिटिक्स ए दैट लेडीज हुसैन इज जेन ऑस्टिन मोस्ट पावरफुल फीमेल विलेन कुछ आलोचकों का ये कहना है कि लेडी के जो है क्या कहते हैं लेडिस हुसैन जो है मोस्ट बहुत शक्तिशाली फीमेल खलनायक है सबसे जबरदस्त खलनायक है ये जेन ऑस्टिन का बट लेडीज हुसैन इज नॉट एज बैड एज लेडी मैकबेथ इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ लेकिन लेडी मैकविथ उतनी खराब नहीं है जितना कि लेडी मैकबेथ है कौन मैकबेथ ड्रामा में अ स्नेक हाइडिंग इन साइड तो एक सांप है फूल गर्म में छिपी हुई लेडी सुसैन घोष द ऑफ लव बाय य फर्स्ट हस्बैंड उसको पहले हस्बैंड से प्यार नहीं मिला द लास्ट पेज है द रिजल्ट इज सॉरो उसके पल्स क्या होते उसमें उसके जीवन में दर्द है हेट्रेड है नफरत है और गुस्सा है इन लेडी सुसैन कैरेक्टर दैट्स ऑल थैंक यू और लास्ट का तो इधर भी तबीयत खराब जा रहा है अच्छा हाँ ये है ना लेडी सुसैन वॉज रिटन इन सेवनटीन नाइनटी थैंक यू विकास देखिए कर दिया है बच्चा ये सेवनटीन नाइन्टी फोर में लिखा गया और ये पब्लिश हुआ है एटीन सेवेंटी वन में इसको करेक्शन कर लीजिएगा थैंक यू वेरी मच विकास और ये आपको यदि अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए यदि खराब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए व्हाट्सअप एप्लीकेश नंबर ये है एट टू वन जीरो टू वन नाइन सेवन थ्री टू टू रिटायर्ड प्रोफेसर बी के मिश्रा और ये है एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स फोर विकास का है टी वी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं आर्थिक मदद इस नंबर पर करें फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स टू वी प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हेल्प आर टी वी पेशेंट खेदन ऑन द लंबो क्योंकि ठंडा में दिखता है खेतन का कुछ तबियत खराब हो गया है हेल्प कीजिए दैट्स ऑल थैंक यू एंड बाय